अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी। आज हम बात करेंगे कराची शहर के हवाले से, क्योंकि कराची में सिंध हुकूमत ने BRT मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कराची वालों के लिए ऑरेंज लाइन बस इस BRT को एक माह में ऑपरेशनल करने का फ़ैसला दे दिया है। ये ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन बसेस, ये सूबाई हुकूमत और सिंध वफाक के अलग अलग प्रोजेक्ट थे, लेकिन कुछ टाइम से, कुछ सालों से ये जो है सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। अब ऑरेंज लाइन बसेस का, सिंध हुकूमत ने डेवलपमेंट का कराची वालों को कुछ दिन पहले ही खुशखबरी दे दी है। सिंध हुकूमत ने कराची वालों को जो है डेवलपमेंट के खुशखबरी देते हुए कहा है कि कुछ ही दिनों में आपके लिए ऑरेंज लाइन बसेस जो कि इन ऑपरेशनल हो जाएगी, 20 जून तक उन्होंने बयानियां दे दिया है। अच्छा, ये ग्रीन लाइन की ही तरह जो है इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, हाइब्रिड बसेस होंगी, जो ग्रीन लाइन की तरह ही आपको सहूलत मैसर होगी और कराची के शहरियों का जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में ख़त्म हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट था तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी तवील अरसे से, लेकिन अब जो है इनको इन ऑपरेशनल नज़र हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से अब ये जो है कुछ ही दिनों में कराची में ऑपरेशनल हो जाएगा और कराची के शहरियों के लिए सड़क पर बसेस नज़र आएंगी चलने। अच्छा, सूबाई हुकूमत ने चाइना से 250 बसेस मंगवाने की मजमूई तौर पर उन्होंने सिफारिश दे दी है और कराची के छः ज़िला में 15 रूट से ज़ायद बसेस ये चला दी जाएंगी, ऑरेंज लाइन बसेस, जो कि कराची के शहरियों को बहुत बड़ा रिलीफ भी देंगी। सूबाई वज़रा सईद गनी और शर्जील नाम मेमन ने, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कुछ दिन पहले चाइना से पहले ही खेप में आने वाली बसेस का मुआयना किया और कराची वालों को खुशखबरी दे दी। उनका कहना है कि कराची वालों का जो है, हम जो है ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, कुछ ही सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट जो है निज़ाम को बेहतर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बसेज की अगर हम बात करें कि क्योंकि ग्रीन लाइन जो बसेज हैं उनके लिए जो है एक अलग रोड मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन ये ऑरेंज लाइन बसेज जो है ये इन्हीं रोडों पे चलेंगी जिन पे आम ट्रैफिक चला करती है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, इससे कराची के शहरी मुस्तफ़ीद होंगे और जो है ये बस जो है, जैसे योमिया देखा जाए कि बहुत सारे जो पैसेंजर हैं बहुत सारी तादाद में ग्रीन लाइन से योमिया जो है सुरजानी से नुमाइश तक जो है लोग जो है सफ़र करते हैं, आरामदा सफ़र करते हैं, और ये कराची के शहरियों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। सेम इसी तरीके से ऑरेंज लाइन बसेस जो है BRT, उनकी पहली खेप जो है 150 बसेस आ चुकी है और बाकी आना बाकी है। अच्छा, ये बसेस ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के बाकी शहरों में, हैदराबाद, लाड़काना और दूसरे शहरों में भी इंशाल्लाह दिखाई देंगी। और सिंध हुकूमत की जो इकदामात उठाए हैं, डेवलपमेंट के इकदामात उठाए हैं, हम इंशाल्लाह ये सिंध हुकूमत जो है जदीद प्रोजेक्ट्स की तहत ये बाकी शहरों को भी, सिंध के बाकी शहरों को भी जदीद बनाएगी कराची शहरियों के लिए। जैसा कि कुछ ऐसे रूट डिसाइडेड किए हैं जैसे ट्रैफिक का दबाव भी कराची के रोड्स पर कम पड़े, तो जो रेड लाइन बसेज होगी ये मतलब अपना रूट कवर करेगी, क्योंकि एक मास पॉपुलेशन शहर है कराची का, ये बहुत बड़े एक मास को कवर करने जा रही है ऑरेंज लाइन बस, BRT बस। वैसे भी ये प्रोजेक्ट बहुत मुद्दत से जो है काफ़ी तवील अरसे से रुका हुआ था, जो अभी जो है 20 जून तक उन्होंने कहा है कि कराची के शहरियों को ये बसेस जो है रूट्स पे नज़र आएंगी। तो देखते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो डेवलपमेंट के जो काम डेवलपमेंट का जो दिया है, लोगों को एक जो है फाल करने का जो मंसूबा करार दे दिया है इस कराची के शहरियों के लिए, क्या कितना ये रिलीफ कराची के शहरियों के लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ही पीछे है। स्पेशली बात की जाए अगर मलीर की, तो मलीर कराची की पहचान है और बहुत बड़ा जो है एक मलीर पॉपुलेशन वाला जो है एक एरिया है। तो ये जो ऑरेंज लाइन बसेज है ये भी 30 किलोमीटर फासले से मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो है ये रूट अपना जो है कवर करेगी, जिससे मलीर के लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मलीर का अभी तक हमने देखा है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं आ रहा। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आज हम आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग जो डेवलपमेंट के हवाले से हमें भी अपडेट मौसूल हुई हैं कि कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कराची के शहरी बहुत जो है सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं
कि कराची के शहरियों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिर मिलते हैं किसी एन अदर टॉपिक के साथ, तब तक अपने होस्ट दादा लोअर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।